हेलो प्रिंट, आज हम ये फ्लिपकार्ट स्लिम टीवी रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो फ्लिप्स का जो ओरिजिनल किट है वो निकाल कर दूसरा TCL का चाइना का किट इस पर लगा दिया है। तो चलिए एक बार हम इसके प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सप्लाई दे दिया है तो हमारा टीवी ऑन हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो साइट में देख रहे हैं वो ब्लैक आ रहा है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम इसको DTH का सप्लाई देख कर भी दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका पिक्चर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ख़राब पिक्चर दिख रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है। तो चलिए अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर का काला प्रोब हम पिक्चर ट्यूब पर लगाएंगे। और चलिए मीटर की रेंज 600 पर, ये देखिए। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 110 के आसपास वोल्टेज मिलने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ऑन कर दिया है, हमारा 122 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। और PCB में दोस्तों इधर आवाज़ आ रही है इसमें। और यहाँ पर देखिए, ए वर्टिकल IC का 25 वोल्ट ए वोल्टेज ठीक है, और उसके बाद 9 वोल्ट ये भी ठीक है, और ये 15 वोल्ट ये भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे वोल्टेजेस तो ठीक आ रही है इसके। ये देखिए वर्टिकल IC से, ये देखिए यहाँ पर भी वोल्टेजेस ठीक आ रही है सब। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आपको निकालना है तो ये देखिए, इसका जो आवाज़ है, इस आवाज़ की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको PCB को ये देखिए सीधा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी थोड़ा गर्म हुआ है दोस्तों, ये देखिए। और दूसरा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए फूला हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर फूल कर लीक हो गया है, और उससे ये देखिए ये लिक्विड निकल आ रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर खराब होने के कारण ही हमारा आवाज़ आ रहा था, और शायद उसी के कारण ही हमारा पिक्चर भी खराब दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए एक बार हम इसे रिप्लेस करते हैं और देखते हैं उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए इसे निकाल कर इसकी जगह नया वाला कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है, और ये देखिए दोस्तों, ये फूल कर ख़राब हो चुका है, और इसके ऊपर ये कैप लगी थी, इसकी वजह से ये फूला हुआ है, ये पहचान में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो अगर आपके पावर सप्लाई में भी कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले आप ये ऊपर की कैप निकाल कर चेक कीजिए कि कैपेसिटर लीक है या नहीं। तो चलिए अब हम इसकी जगह दूसरा वाला कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम अब नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे इस पर। ये देखिए 220 माइक्रोफेरेट 450 वोल्ट है, ये देखिए। तो इस पहले वाले का भी देखिए दोस्तों, 450 वोल्ट और 150 माइक्रोफेरेट था, तो 220 माइक्रोफेरेट इसमें चल जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं।
तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर लगाते समय ये देखिए, ये जो सफ़ेद वाली पट्टी है ये देखिए, ये सिंबल पर, यहाँ पर भी एक सफ़ेद पट्टी है। ये सफ़ेद पट्टी इसके साइड में ही होनी चाहिए, अगर उल्टा लगाएंगे तो ये सीधा फट जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत 300 के आसपास वोल्टेज होते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर को हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे बिना वोल्टेज के ही ऐसे सीधा चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे वोल्टेज तो सब ओके आ रहे थे। तो इस पीसीबी को हम ठीक से लगाएंगे और उसके बाद डिस्प्ले पर देखेंगे क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पीसीबी को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए हमारा टीवी में सप्लाई जा चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो साइड में ब्लैक स्क्रीन दिख रहा था वो दोस्तों मैंने सर्विस मोड से ठीक किया है उसे, और जो हमारा पिक्चर ख़राब था तो वो देखिए वो अब बिल्कुल ही ठीक तरह से दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं आपको डीटीएच ऑन कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने डीटीएच ऑन कर दिया है तो ये देखिए हमारा पिक्चर पूरा क्लियर और साफ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।